हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शिव ज्योति पब्लिक स्कूल में फर्स्ट की एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाएं और वो कैसे होती है और उसकी चार्जेस क्या है, उसकी मंथली फीस क्या है, उसकी एडमिशन चार्जेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी शिव ज्योति स्कूल में जाएंगे, उससे फर्स्ट से फिफ्थ तक और फिफ्थ से प्लस टू तक दो अलग अलग सेक्शन बने हैं उनका। किंडरगार्टन एक चरणजीतपुरा, वो अलग स्कूल है। और फिर उस पे काउंटर पे जाके आप पहले रिसेप्शन पे मिलिए। रिसेप्शन पे आपको टीचर बता देगी कि स्कूल में क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या हुए हैं, क्या मंथली चार्जेस है ये। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाने के लिए करेंगे। आप गेट के बिल्कुल सामने जाएंगे तो दो काउंटर बने हुए हैं, काउंटर नंबर 1 एंड काउंटर नंबर 2। काउंटर नंबर 1 पे अगर आपने फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक एडमिशन करवानी है तो आप काउंटर नंबर 1 पे जाइए। अगर आपने सिक्स से लेके प्लस टू तक एडमिशन करवानी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप काउंटर नंबर 2 पे जाइए। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको ऐसा एक फॉर्म मिल जाता है जिसको 500 पे करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाता है। ये 500 का फॉर्म है जो आप फिल करके अपने साथ ले आएंगे और 500 आपको दे देंगे और आपको वहां पे जाके टेस्ट की डेट मिल जाएगी और उसी के साथ आपको सिलेबस भी दे दिया जाएगा कि ये सिलेबस है और टेस्ट इस डेट को है। इस बार 2020-21 में ये सिलेबस है। डिक्टेशन इंग्लिश में 3 टेस्ट है, इंग्लिश में, हिंदी और मैथ। इसे पंजाबी का उन्होंने कोई रिटन टेस्ट नहीं लिया। इंग्लिश में क्या है, डिक्टेशन है, साउंड्स ए ई आई ओ यू का, डब्ल्यू का, डबल ई का, स का, श का और थ द का। और ब्लेंड्स हैं, बी आर के हैं, डी आर के हैं, फ आर के हैं, ट आर के हैं, सी एल के हैं, एफ एल के हैं, पी एल के हैं, एस एल के हैं। और लुक एट द पिक्चर एंड राइट द वर्ड्स, लुक एट द पिक्चर एंड राइट वर्ड्स। जैसे ये पिक्चर दी है, लुक एंड राइट, पिन दिया हुआ है उसमें हमने बच्चे ने पिन के स्पेलिंग लिखनी है, इसको कहते हैं रुक एंड राइट। एंड नेक्स्ट इज एनसर्कल द सेम साउंड वर्ड, सेम साउंड वर्ड्स मतलब उसमें सेम साउंड वर्ड्स को लिखना है। जैसे हमने 3 वर्ड दिए हैं, एक पिन दिया है, एक पेन दिया है, एक टिन दिया है। सेम साउंड वर्ड्स पिन और पी आई एन और टी आई एन सेम है, इसमें पी ई एन दैट इज अ डिफरेंट, वो डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज वन एंड मैनी सिंगुलर एंड प्लूरल्स। जैसे पेन है उसके बच्चे बच्चा पेन्स लिखेगा, टेन है टेन्स लिखेगा, और कप है कप्स एंड सो ऑन। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स मतलब जैसे पेट लिखा हुआ है, पी ई टी पेट लिखा है, उसके साथ ई टी वाले 2-3 वर्ड्स, जैसे पेट है जेट लिख दीजिए, लेट लिख दीजिए, डेट और डेट मतलब फर्स्ट साउंड डिफरेंट करके बाकी राइमिंग वर्ड्स 2-2, 3-3 और लिखने हैं। देन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद दिस एंड दैट। अगर बच्चे को समझा दिए, दिस मतलब पास कोई चीज है, दैट जो दूर चीज है। नेक्स्ट इज मैथ में क्या है, काउंटिंग है नंबर 1 से लेके 150 तक, और डॉजिंग है, डॉजिंग मतलब बीच बीच में मैडम नंबर डिक्टेट करवाएगी, आपने लिखना है। कंप्लीट द मिसिंग नंबर 1-2 लिखा होगा, उसमें कोई कोई नंबर मिस होएगा उसको फिल करना है। वाटर कम आफ्टर बिफोर है 100 तक, एडिशन है सिंगल डिजिट नंबर, और एनकर्ल कर द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर को सर्कल करना है। जैसे 3 नंबर लिखे होंगे 10, 20, 50, और 50 सबसे बड़ा है तो बच्चे को 50 को सर्कल करेंगे। नंबर नेम्स लिखने हैं 1-20 इन बैकवर्ड काउंटिंग, 1-20। हिंदी में है क से ज्ञ तक सूत्रलेख है, 2-3-4 शब्दों का, अ की मात्रा वाले शब्द है। चित्र देखकर शब्द लिखो, चित्र देख के मतलब जैसे एक कप का बना हो तो उसपे कप कप बच्चे ने लिखना है। वाक्य पूरे करो, वाक्य पूरे करो मतलब पूरे सेंटेंस को पूरा करो, शब्द पूरे करो, एक वर्ड को शब्द पूरा करो, समान आवाज वाले शब्द, जो सेम आवाज वाले, जैसे चल कल पल, कार कार अलग हो गया, चल पल कल अलग है, सेम आवाज वाले। चित्र देखकर ठीक शब्द लिखो, चित्र पहले पिक्चर बनी होगी उसको देख के कोई वर्ड लिखना है। जैसे ये हो गया खटमल बनाया तो खटमल, शरबत शरबत, तरकश बर्तन, बरगद अजगर अदरक शलगम एंड सो ऑन। कोई भी वर्ड चित्र बना हो सकता है उसको बनाया। देन इज सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम और अंगों के नाम, अंगों के नाम जैसे हाथ, बच्चे को इजी दे दीजिए, हाथ नाक कान कमर गर्दन। ह को की मात्रा थ, क को की मात्रा
कान न नको की मात्रा, कान, नाक, कमर, गर्दन एंड सो ऑन, यानी सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम आप कोई भी पांच सब्जियों के नाम याद करवा सकते हो, जैसे कि तरतर, मटर, कटहल, शलगम, परवल, अदरक एंड सो ऑन। और ये सिलेबस है और ये इसका एंटर टेस्ट एक डेट दी जाती है, उसके बाद आपका एंटर टेस्ट होता है, नेक्स्ट डे रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाती है और उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाती है। अब एडमिशन पे कीजिए और फिर स्कूल जाइए, दैट्स इट।